वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि दीक्षा 3.0 जिसकी ट्रेनिंग 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो उसमें आपको अभी जो हमारे पास जो टाइम है अगस्त महीने में हमको दीक्षा के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए कि आपको अपनी ईमेल आईडी की जरूरत रहेगी और उसका पासवर्ड आपके पास होगा ही, अगर नहीं भी है तो आपके पास होना चाहिए उसका पासवर्ड अपनी ईमेल आईडी का। क्योंकि जब भी हम लॉगिन करेंगे इस दीक्षा पोर्टल पे तो हमको उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत रहेगी। तो उससे पहले मैं दीक्षा 3.0 का थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि दीक्षा 3.0 में क्या होने वाला है। तो बेसिकली क्योंकि दीक्षा 1.0 हमने पहले किया था जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के टीचर्स के था, उसकी ट्रेनिंग हमने 2019 में की थी लॉकडाउन से पहले। और अभी एक दीक्षा 2.0 चल रहा है जो कि माध्यमिक के शिक्षकों के लिए है, कक्षा 9 से 12 तक के लिए वो अभी चल रहा है, जिसमें कि 3 कोर्सेज अगस्त के महीने में ऑलरेडी चल रहे हैं। उसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी के टीचर्स को प्रतिभाग नहीं करना है। अभी जो दीक्षा 3.0 जो कि ऑनलाइन मोड में चलेगा, जो कि सिर्फ ऐप के माध्यम से चलेगा और आप चाहें तो कंप्यूटर के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं, उसके लिए आपको दीक्षा की जो वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन कर सकते हैं और उन कोर्सेज को एक्सेस करते हैं जो कि 1 सितंबर से चलने शुरू होंगे। तो अब देख लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या इस दीक्षा 3.0 में। तो ये जो फोकस है दीक्षा 3.0 में वो है बेसिकली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। मतलब जो कि पहले हमारे पास ECCE करके एक होता था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसको और जो हमारी कक्षा 1, 2 और 3 है उसको मिक्स करके अब उन्होंने क्या कर लिया कि 5+3+3+4 का जो एक सिस्टम नया बनाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो शुरू की जो 5 कक्षाएं हैं उनके लिए बेसिकली ये कोर्स है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का। तो अब देखिए इसमें करना क्या है हमको। फिलहाल अभी हमको जो करना है वो इस महीने में, जिससे कि हम जब सितंबर के महीने में जब ये कोर्स स्टार्ट होगा तो हम सीधे सीधे उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए आपको जो एक दीक्षा का जो एप्लीकेशन है, जो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना होगा। उसको डाउनलोड कर अगर हो सकता है आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हो, अगर नहीं किया हुआ डाउनलोड तो आप डाउनलोड करेंगे कैसे, आप जाएंगे अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है दीक्षा DIKSHA। तो दीक्षा जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे तो ओपन करेंगे। अब देखिए आपको जो इसमें रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कैसा करना है वो बेसिकली वो प्रोसेस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो प्रोसेस करना आपको बहुत जरूरी है और ये सभी प्राइमरी टीचर्स के लिए और हेड्स के लिए ये बहुत ही मैंडेटरी है कि आप इस दीक्षा ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन करें। अब देखिए ये हमारे पास इंटरफेस खुल गया इसका। तो इंटरफेस जब खुलेगा तो यहाँ पर जो ये 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, लॉगिन करना है। अब देखिए लॉगिन करने के हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम गूगल से भी है, तो गूगल से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल ऑलरेडी आपका लॉगिन होगा अपने मोबाइल से तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप लॉगिन गूगल से करें, आप लॉगिन विद दीक्षा करें। अब जैसे ही लॉगिन विद दीक्षा करेंगे तो उसके लिए आपके पास आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। तो बेसिकली होना आपके पास ईमेल एड्रेस चाहिए, अपना मोबाइल नंबर चाहिए, या तो आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए या मोबाइल नंबर होना चाहिए और साथ में पासवर्ड चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे रजिस्टर हियर करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए क्या इंटरफेस खुल के आता है वो मैं आपको प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब देखिए हमने रजिस्टर किया है तो इसके बाद कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप जीमेल से कर रहे हैं तो जीमेल से क्या होता है कि कई बार जो आपकी जो आईडी जो आपका स्कूल की जो डिटेल्स हैं वो कई बार मैप नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर आप यहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहां से आपकी सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर मैप हो जाएंगी। अब देखिए आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड भी दीक्षा आ रहा है, आपको अपना ईयर भरना है, जब आपका बर्थ ईयर जो है, बर्थ ईयर तो मैं भर लेता हूं अपना बर्थ ईयर। सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है, अपना मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं है। तो जो भी है आपका, मैं अपना भर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास ऑलरेडी वैसे बना हुआ है लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए तौर पर बता रहा हूँ। आप देखिए ये सारे इंटरफेसेस खुल गए हैं, नेम आप डालेंगे, मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। आप देखिए मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर मैं अपना डालता हूँ। तो ये जैसे ही आपका जो पासवर्ड होगा, जो पासवर्ड आपका बन जाएगा तो उसके बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप चाहे मोबाइल नंबर से कर रहे हो या अपने ईमेल एड्रेस से कर रहे हो, वहां पर एक OTP आएगा। मैंने देखिए अपने मोबाइल नंबर से किया तो वहां पर एक OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर में अभी, तो उस
ओटीपी को हमको यहाँ पे फिल कर लेना है और उसको सबमिट कर देना है। अब देखो मेरे पास ओटीपी आ गया है, इसको जैसे हम सबमिट करेंगे तो अब हम जो ये दीक्षा का जो सिस्टम है इस पर रजिस्टर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब देखिए वेरिफिकेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया और लॉग इन टू कंटिन्यू। अब देखिए जैसे हम लॉग इन जो वो हमको करना है तो जिस मोबाइल नंबर से हमने एंट्री किया है आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन उसमें खुले हुए हैं। लेकिन ईमेल आईडी से अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास वो ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब ईमेल आईडी के केस में आप करेंगे तो ईमेल आईडी पे वो ओटीपी आएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मोबाइल नंबर से जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आए उस ओटीपी को आप फिल करें। अब देखिए यहां पर जो मैंने दिया है अपना मोबाइल नंबर, मैं मोबाइल नंबर एंट्री करता हूं और यहां पर मैं पासवर्ड डाल लेता हूं। लॉगिन कर लेता हूं। अब देखिए लॉगिन मैंने कर लिया है। अब देखिए जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने में आपको खासा कुछ चीजें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता दूं। आप देखिए जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस खुल के आएंगे, चार टीचर स्टूडेंट हेड टीचर एंड ऑफिसर्स और पेरेंट। तो आपको टीचर में क्लिक कर लेना है, टीचर में आप क्लिक करके कंटिन्यू करना है। अब देखिए यहां पर एडिट प्रोफाइल, यहां पर बोर्ड आएगा तो बोर्ड में आपको उत्तराखंड कर लेना है, स्टेट गवर्नमेंट का उत्तराखंड बोर्ड हमारा जो है, देखिए उत्तराखंड ये आ रहा है। सबमिट, मीडियम हमारा हिंदी है और क्लासेज जो जो क्लासेज हम पढ़ाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको सबमिट कर लेना है और सेव। जैसे आप सेव करेंगे ये डेटा हमारा सारा सेव हो जाएगा, अभी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड में देखिए गढ़वाल आ गया है, डिस्ट्रिक्ट में हमको अपना गढ़वाल चेक कर लेना है, सबमिट हो गया। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारा गढ़वाल है। अब देखिए प्रोफाइल हमारी ये अपडेटेड हो चुकी है, इसमें ऑप्शंस आ रहा है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, लास्ट कॉर्नर में जहां पर ये कि आदमी का बना हुआ है वहां पर आपको क्लिक करना है और अपना जो ये डेटा है ये एडिट करना है। अब देखिए इसमें एडिट में क्या करना है, क्योंकि एडिट में ये सारी चीजें हमारा ब्लॉक क्लस्टर और स्कूल को भी मैप करेगा, तो ये आपको यहाँ सारी फिल करनी है। देखिए यहाँ पर ब्लॉक क्लिक किया, ब्लॉक आपने एमक्यूएचआर क्लिक कर लिया, सबमिट, फिर क्लस्टर आएगा, जो भी हमारा क्लस्टर होगा जो भी आपका संकुल है वो संकुल आपको क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा संकुल नीलकंठ है तो मैंने नीलकंठ क्लिक कर लिया है और स्कूल। अब देखिए स्कूल में मेरे संकुल में जितने भी स्कूल होंगे वो सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैप्ड है, तो मुझको सिर्फ क्लिक करना है यहाँ पे। तो मेरा स्कूल जो है मॉडल पीएस गंगा भोपुर मल्ला है, तो मैंने सबमिट कर लिया है और यहाँ पर सबमिट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी मेरी डिटेल्स थी ये सारी डिटेल्स आपको क्या कर लेनी है, यहाँ पर फिल कर लेनी है और ये सब कुछ आपका यहाँ पर बना हुआ आएगा। मैंने देखिए अपना नाम फिल नहीं किया था, नाम मैंने वहां पर फिल किया था लेकिन उसके बाद मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए थे, इसकी वजह से नाम यहाँ पर दूसरा कुछ अलग आ रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट मॉडल पीएस गंगा भोपुर मल्ला और ये सब चीजें यहाँ पर जब आपको डिस्प्ले में आने लगेंगी इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो भी कोर्सेज होंगे वो 1 सितंबर से उन कोर्सेज को कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो भेजूंगा, तो आप उनको फिर एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या एक अमरीश जी भी हैं, अमरीश जी को भी आप कॉल कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे कैसे करना है। थैंक यू।